प्रदेश सरकार के चौथे कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार ने इस खास मौके पर जबलपुर शहर को एक नई सौगात दी। दरअसल जबलपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौरीघाट में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो शुरू किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसकी लागत 8 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसकी जानकारी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में दी, जिन्होंने बताया कि गौरीघाट प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो बनेगा। यह प्रोजेक्ट लगभग 7 माह में बनकर तैयार होगा, जिसे सरकार सितंबर माह से शुरू करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि इस वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो में दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो यहाँ के पर्यटन और पर्यटकों के लिए काफी लाभान्वित साबित होगा। सितंबर अक्टूबर में ये चालू हो जाना चाहिए। 8 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से ये बनेगा। ये देश का पहला आधुनिक तकनीकी पर आधारित लाइट एंड साउंड शो होगा, लेकिन ये वाटर स्क्रीन के ऊपर होगा और इसमें फायर नोजल भी होंगे, यानी जब वो चलेगा तो पानी के अंदर से आग भी निकलेगी कलर्ड। उसके ऊपर जो एक 100 फीट की लगभग स्क्रीन बनेगी नर्मदा जी के अंदर, पानी की स्क्रीन बनेगी और उसके ऊपर सारा डिस्प्ले होगा। जैसा मैंने बताया कि नर्मदा जी के ऊपर उसमें आधा घंटे की एक स्टोरी होगी, आधा घंटे की स्टोरी हमारा जो गोंड साम्राज्य रहा है, रानी दुर्गावती चेती साम्राज्य से लेकर और यहाँ तक उसकी शुरुआत हम करेंगे शंकर साहब रघुनाथ साहब के समय तक के लिए। उन सब चीज़ों का जो महत्वपूर्ण स्थान यहाँ है उनका उल्लेख होगा और एक गुरु नानक देव यहाँ आए थे उनके ऊपर भी एक 5 से 10 मिनट की एक फिल्म हम उसमें बनाएंगे जो उसके साथ जोड़ी जाएगी।